जमाना कुछ भी करे हमें क्या करना, आप क्या करते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप होड़ दुनिया की ना किया करो कि वो शराब पीते हैं, वो गुटखा खाते हैं, वो मांस खाते हैं, हम भी खाएंगे नहीं। जमाना झूठ बोलता है तो आप भी बोलेंगे, जमाना भ्रष्टाचार करता है तुम भी करोगे। तुम तो ना करो कम से कम, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम तो सत्संगी हो। एक गधा था और गधे को चराने वाला उसका मालिक एक धोबी था। धोबी आज अपने गधे को चराने जंगल गया। उस जंगल में उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। धोबी ने पत्थर उठाया और देखा कि बड़ा सुंदर पत्थर है, तो उसने रस्सी में पत्थर को लपेटा और गधे के गले में लटका दिया कि मेरा गधा इस पत्थर को पहनकर चलेगा, चमक रहा है पत्थर, अच्छा है। गधे को नहवाता, साबुन लगाता और फिर उसी पत्थर से गधे की चमड़ी को घिसता, पीठ को, पेट को। धोबी उस पत्थर से अपने गधे को साफ करता, घिस घिस के नहलाता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से जौहरी निकला। जब जौहरी ने देखा कि गधे के गले में इतना कीमती हीरा पड़ा है, तो उसने धोबी से कहा, भाई ये पत्थर कितने का दिया, ये पत्थर कितने का दिया? उसने कहा, धोबी भाई ने कहा, अरे भाई पत्थर की कीमत क्या आंकते हो, ये तो पत्थर है, बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं। जौहरी ने कहा, यदि मैंने कह दिया कि ये हीरा है तो धोबी इसकी कीमत बढ़ा देगा। जौहरी को पता था कि ये हीरा है, धोबी को नहीं पता था कि ये हीरा, तो जौहरी ने चतुराई से कहा कि पत्थर के कितने दिए, कितने में पत्थर दिया? 5 रुपए का दिया। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं बहुत है। तो उसने 5 रुपए ले लिए और अपना वेश कीमती हीरा उस जौहरी को दे दिया। धोबी अपना गधा लेके चला गया। धोबी को लगा जंगल में ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, पर उसे क्या पता था कि हर चमकने वाले पत्थर हीरा नहीं होता। अब जौहरी के हाथ में इतना बड़ा हीरा था, लेकिन जैसे ही वो हीरा जौहरी के हाथ में आया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में पड़े थे तब तुम नहीं टूटे, गधा तुम्हारे गधे के शरीर में साबुन लगा के धोबी तुमसे साफ कर रहा था तब तुम टूटे नहीं, और जौहरी के हाथ में आए तो टूट गए। तब उस हीरे ने, टूटे हुए हीरे ने कहा, जौहरी मैं उस गधे के गले में इसलिए पड़ा था क्योंकि वो गधा और वो धोबी जानते ही नहीं थे कि मेरी कीमत क्या है, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी कीमत क्या है। पर तुम तो जौहरी थे, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए आंकी। तो जब अज्ञानी मुझे गधे के गले में डालता है तो दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता, लेकिन आप जानकार हो और आपने मेरी कीमत 5 रुपए आंकी, तो तुम ही बताओ, जानकार जौहरी जब हीरे की कीमत 5 रुपए आंकेगा तो हीरा तो टूटकर टुकड़े टुकड़े ही हो जाएगा ना। इसलिए मैं टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मेरे भारतवासियों, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे भाई, जमाना जाने ना जाने के सत्य की कीमत क्या है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस इत्यादि देश, वहां के लोग जाने ना जाने कि राम की कीमत क्या है, कृष्ण नाम की कीमत क्या है, नारायण नाम की कीमत क्या है, सत्य की कीमत क्या है, दया की कीमत क्या है। अरे अमेरिका, जापान, लंदन के लोग नहीं जानते कि दया किसे कहते हैं। जानते होते तो किसी की हत्या ना करते, वो बकरा काट रहे हैं, सुअर काट रहे हैं। लेकिन तुम भारतीय हो, तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर सत्यवादी राजा, तुम्हारे पुराणों में, तुम्हारे ग्रंथों में हरिश्चंद्र की कथा है, सत्यवादी
उनके धर्म की पुस्तकों में किसी सत्यवादी की कथा नहीं है, क्योंकि सत्यवादी की कथा होती तो वो सत्य बोलते। उनके अंदर दया की कोई कथा नहीं है, उनके धर्म में दया नहीं है, दया होती तो मूक प्राणी की हत्या ना करते वो अपने उत्सवों में। इसलिए हम सनातनी ऐसे हैं जिनके पास दया है। क्या है? दया धर्म का मूल है। हमारे यहां दया है, सत्य है, क्षमा है,